जो डेफिसिट थी वो 2.2% थी, जो स्टेट डेट टू जीडीपी था वो 27% था, 27% था। तो आपकी बोरोइंग कैपेसिटी भी थी, आपको राजस्व भी मिल रहा था, और हम लोग जो थे वो 15th फाइनेंस कमीशन से भी, आप लोगों को जहां 20,000 करोड़ हम लोग दे रहे थे उसमें हम लोग करीब 26,000 करोड़ आपको देने वाले थे। तो हर नज़रिए से अगर आप देखें तो जब सरकार आई और सरकार जब उसने बजट पेश किया तो उसे एक भरा हुआ खजाना मिला और विकास के कई योजनाएं उनको हम लोगों ने सौंपी। मित्रों, ये बड़ी दुख की बात है और मैं पूरी जिम्मेवारी से आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ये सरकार अयोग्य है, सरकार विफल है, इनकी नीतियां जो हैं वो हानिकारक हैं। इस कारण आज के समय जो खजाना इनको भरा हुआ मिला वो आज खजाना हम लोगों को खाली नज़र आ रहा है, खाली नज़र आ रहा है। जब आप देखें कि उन्होंने कैसा बजट पेश किया, इस बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है यानी कि सड़कों पे, पुलों पे, अस्पतालों पे, इन सब चीज़ों पे जो खर्चा करना था उस खर्चे को इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से खर्चा कम किया, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं यानी कि सैलरीज़ पे, पेंशन पे, इस पर खर्चा ज़्यादा किया। और जब कोरोना काल आया, तो कई राज्य सरकारों ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, कई सरकारों ने अपने बजट में कई कई परिवर्तन वो लोग लाए, नए नए नीतियाँ उन्होंने लाई। 1,000 करोड़ कोविड फंड जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया, ऐसे कई नीतियाँ लाई गई जिसके द्वारा जो परिस्थितियाँ हैं उसके लिए जो बदलाव अनुकूल थे उसके लिए नीतियाँ बदली गई, लेकिन इस सरकार ने बिल्कुल नहीं बदला। और ज़रूरी भी था उस समय जब राजस्व कोरोना काल में सबका घटा, केंद्र सरकार का भी घटा, तब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाते, आप मेडिकल कॉलेज, आप सड़कों पे, आप पुलों पे, इन सब चीज़ों पे आप खर्चा करते। भले आपको अगर इसके लिए ऋण लेना पड़ता, आपको कर्ज लेना पड़ता, तो वो अनुकूल था, वो उचित था, क्योंकि जब भी इस किस्म की आर्थिक संकट आती है तो हर कोई, हर अर्थशास्त्री आपको बताएगा कि आपको डेफिसिट स्पेंडिंग कैपिटल एसेट्स पे करनी चाहिए। आप डेफिसिट स्पेंडिंग करिएगा, आप ऋण लीजिएगा, तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां लोगों को मिलेंगी और अर्थव्यवस्था फिर एक बार मजबूत हो जाएगी। तो ये इन लोगों को नीतियां अपनानी थी। केंद्र में हम लोगों ने ये नीतियां पूरी तरीके से अपनाई। आपको मालूम है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कई घोषणाएं की जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे खर्चा किया जाएगा, नरेगा के द्वारा खर्चा किया जाएगा जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग एसेट्स बनाए, और कृषि क्षेत्र में 1,00,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोगों ने घोषणा की। और इस तरीके से जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत थी, एसेट्स बनाने की ज़रूरत थी और उसके लिए ऋण लेना, ब्याज लेना अनुकूल था, केंद्र सरकार ने किया, कई राज्य सरकारों ने किया, लेकिन झारखंड सरकार ने नहीं किया, और इस कारण राजस्व गिरता चला गया, आर्थिक संकट बढ़ती चली गई, और आज के समय हमारी जो सड़कें हैं जर्जर हालत में हैं, कहीं कोई पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। और मैं बताऊं कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो हमारे क्षेत्र के लिए खासकर कोविड के समय बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इनमें कोई निवेश नहीं हुआ है। आज के समय जो हजारीबाग में, पलामू में, दुमका में जो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जोर शोर से वहाँ निर्माण होना था, आज सब काम रुका हुआ है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तक नहीं हुआ है क्योंकि इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो इस अयोग्य सरकार ने अपने नीतियों के कारण, अपने बजट के कारण जो भरा हुआ खजाना था, इस खजाने को खाली किया और जनता को इन लोगों ने इस तरीके से पीड़ित किया। आज ये इनकी गलतियाँ, इनकी अयोग्यता, इनकी भूल कोई नहीं भूल सकता। झारखंड की जनता इन्हें कभी नहीं माफ़ कर सकती है, क्योंकि जो ऐतिहासिक, ये जो ऐतिहासिक भूल हुई है इसको जनता कभी इस सरकार को नहीं माफ़ करेगी। और हमारा ये दायित्व बनता है एक जिम्मेवार विपक्ष होने के कारण कि ये सब बातें हम लोग जनता के सामने रखें, तर्क और तत्वों के आधार पर रखें। और जो आंकड़े हैं, वो झूठ नहीं बोलते। सरकार चाहे जो झूठ बोले, सरकार चाहे जो बातें रखे, जो आंकड़े हैं वो सच हैं, आंकड़े सबके सामने हैं। हम लोग आप लोगों को सब आंकड़े पेश करके दिखाएंगे। आपको नज़र आएगा कि जब हम लोगों ने सरकार JMM कांग्रेस को सौंपा तो खजाना भरा हुआ था
आज के समय इनकी नीतियों और बजट के कारण खजाना खाली होते चले जा रहा है, खर्चा तक नहीं हो पा रहा है और जनता बहुत बहुत त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी के एक विदेशों में पढ़े एक विद्वान नेता, पूर्व में भारत सरकार के मंत्री भी रहे हैं, हजारीबाग के चुनकर आए हैं लोकसभा में, माननीय जयंत सिन्हा जी, उन्होंने आज अपने विद्वता का परिचय देते हुए बहुत सारी बातें कही। उनके पिता भी भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी आर्थिक विषय को लेकर विदेशों में पढ़ा है, नौकरी भी की और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी बने, भारत सरकार के मंत्री भी बने। हम लोगों को लग रहा था कि विदेशों में पढ़े लिखे लोग शायद हम जैसे लोगों से थोड़ा ज़्यादा जानते होंगे, थोड़ा ज़्यादा समझते होंगे, लेकिन आज दुख भी हुआ, हताशा भी हुई कि जो भ्रम लगातार 10 महीनों से भारतीय जनता पार्टी फैला रही उसमें उन्होंने भी आज आकर अपना एक आहुति देने का काम किया। हम लोग जानते थे भारतीय जनता पार्टी के संबंध में, विगत 5 वर्षों में 2014 से लेकर 2019 जिस प्रकार से फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट रहा, डबल इंजन के नाम पर जो पैसे उड़ाए गए उससे हम लोग पहले ही सरकार के आने के बाद हम लोग सचेत हो गए थे और हम लोगों ने बजट के पहले राज्य के वित्तीय एवं विकास पर एक श्वेत पत्र जारी किया था मार्च 2020 को बजट के पूर्व। ये श्वेत पत्र हम लोगों को इसलिए जारी करना पड़ा था क्योंकि जब हम 2014 में सरकार को छोड़कर जा रहे थे और रघुवर जी सरकार संभाल रहे थे तो हमने राज्य की विकास दर 12.5% पर छोड़ी थी और जब रघुवर जी ने सरकार को छोड़ा और हम लोगों ने सरकार गठन करने का काम किया जनादेश के बाद तो राज्य का विकास दर गिरकर 5.7% रह गया था। हम लोगों ने उसी वक्त इस बात को कहा था कि जो बेतहाशा आप कर्ज ले रहे हैं और स्टेट प्रॉपर्टी को जिस प्रकार से बेच रहे हैं, चाहे पीटीपीएस को जॉइंट वेंचर बनाकर एनटीपीसी को बेच देने का काम हो, चाहे आपके व्यवसायिक जो हित है उन हितों को पूरा करने के लिए आपने शराब को एक्साइज डिपार्टमेंट को, आपने आउटसोर्स किया ऑक्शन के जगह पर, बड़े बड़े हर रोज नए विज्ञापन लगाए, 400 करोड़ रुपए उन्होंने केवल विज्ञापन पे खर्च किए थे। शराब बेचने के नाम पर राज्य को 800 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था, साथ साथ जो बड़े लोग हैं जो जमीन दलाली का काम करते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए 1 रुपए की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर 50 लाख तक का
उसमें कोई भी गरीब कवर नहीं होता था, किसी भी गरीब के पास 50 लाख का औकात नहीं। जो जमीन दलाल और जो बड़े लोग हैं उसका यदि ऑडिट करवा लिया जाए तो एक भी गरीब का उसमें नाम नहीं मिलेगा। केवल घर की महिला को सामने रखकर 450 करोड़ रुपए का नुकसान हम लोगों ने उठाया। उसी तरह खान के लीज के नाम पर लगभग 4000 करोड़ रुपए हमने राजस्व का घाटा सहा। ये कुछ बानगियां हैं। आज जयंत सिन्हा जी बड़ा बोल रहे थे कि हमको कर्ज ले लेना चाहिए। क्यों भाई, हम कर्ज क्यों ले? 18000 करोड़ रुपए जीएसटी का घोटाला, उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? 25000 करोड़ रुपए अभी भी हम जीएसटी में पाते हैं जो नहीं दे रही है केंद्र सरकार। हम केवल कोल कंपनी से 65000 करोड़ रुपए पाते हैं उसके जमीन और कॉमन कॉज के नाम पर। हम रेल से सेल से 75000 करोड़ रुपए पाते हैं, उसके बाद भी हम कर्ज ले। माल लगे महाजन का, मिर्जा खेले होली, ये कौन सा तरीका, कौन सी अर्थशास्त्र आप पढ़ा रहे हैं? 85000 करोड़ रुपए रघुवर जी ने केंद्र सरकार से डीवीसी के नाम पर उदय योजना के ऊपर कर्ज लिया, हम लोगों ने तब भी मना किया। उसमें कहा गया कि हम 21000 रुपए डीवीसी को देंगे, एक पैसा डीवीसी को नहीं मिला। नतीजा क्या हुआ? हमारा 14.50 करोड़ रुपए आरबीआई ने काट लेने का काम किया। ये अन्याय हम लोगों के साथ हुआ। एक कहावत है ना, खेत काहे गधा मार खाए जुल्हा, खाओ तुम भरे हम। यही इस राज्य सरकार की विगत 5 वर्षों की नीतियां रही। आप सब जानते होंगे दिसंबर माह में इलेक्शन था, दिसंबर माह में स्टेट एम्प्लॉयज को 16 दिसंबर को उनका तनख्वाह मिला था, खजाना इस प्रकार से लूट लिया गया था। हम लोगों ने तब भी कहा, केंद्र सरकार ने भी इस बात को माना, जब भुवनेश्वर में पूर्वी प्रांतों के जो राज्य हैं उनकी आर्थिक समीक्षा हुई, जिसमें नीति आयोग और आरबीआई भी थे, उन्होंने कहा कि यहां पर जो बैंकिंग सिस्टम है वो बैंकिंग सिस्टम में जो डिपॉजिट तो ले लेते हैं लोग, लेकिन क्रेडिट नहीं करते राज्य के लोगों को, जिसको हम लोग सीडी रेशियो कहते हैं। हम लोगों ने उसी समय कहा था कि ये बातें गलत है, इन बातों पर रोक लगनी चाहिए। हम लोगों से जो 7% का जो निर्धारित लक्ष्य रखा गया था सीडी रेशियो में, उसको घटाकर 40% कर दिया गया। ये ऐसे ऐसे काम हुए हैं यहां पर कि जिसके कारण राज्य सरकार का खजाना खाली हो गया। अब आकर हम लोगों को बुद्धि दे रहे हैं कि आप लोग कर्जा ले लीजिए। क्यों कर्जा लें? जब हेमंत सोरेन जी की सरकार थी, उसके पहले अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, तब
यहाँ के लोगों पर 1200 रुपए का प्रति व्यक्ति कर्ज था, आज वो कर्ज बढ़कर 24,000 रुपए प्रति व्यक्ति के माथे पे कर्ज रघुवर जी ने छोड़ के गया। इसका दायित्व कौन लेगा? और ये श्वेत पत्र भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायकों के पास, यशवंत सिन्हा जी को इस श्वेत पत्र को पढ़ लेना चाहिए था, जयंत सिन्हा जी को माफ करेंगे, उनको पढ़ लेना चाहिए था। झूठ बोलने के लिए भी तो कोई आधार होनी चाहिए ना। मोमेंटम झारखंड पे क्यों नहीं कहे, यहां पर तो आए थे, खेलगांव में एक व्यक्ति के लिए हेलीकॉप्टर उड़ता था बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से खेलगांव के हेलीपैड तक, आप भी तो उड़कर आए थे, उसका खर्च कौन वहन करेगा? आप यहां से 13 लोकसभा के सदस्य हैं, आप यहां से राज्यसभा में 4 सदस्य हैं, आपने कभी क्या कहा, किस राष्ट्र से बेईमानी मत करो, धनबाद और चक्रधरपुर ये 2 रेल मंडल भारत को सबसे ज्यादा राजस्व देता है, लेकिन हमको रेल परियोजना पूरा करने के लिए 2/3 खर्च उठाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे राज्य जिनको रेल को पैसा ही देना नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों से 2/3 पैसे लिए जाते हैं, आरओबी बनाने के लिए आधा हिस्सा लिया जाता है, और सांसद यहां आके गलत बयानी करते हैं। ये बातें तो पार्लियामेंट में उठानी चाहिए ना। आप किसको भ्रम में रखना चाहते हैं? आप कण कण को बेचना चाहते थे और आपने बेच भी दिया। अडानी को कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारा, मानव संसाधन हमारा, और बिजली बांग्लादेश को। आज एनटीपीसी के नाम पे उजर गए लोग, पीटीपीएस को बेचा आपने, धराधर भारतीय जनता पार्टी के उस काल में आप लोग देखे होंगे सरकारी जमीन की किस प्रकार से लीज की गई। और तो और अकेला एचईसी का एरिया आप चल जाइए, सीधे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाया गया, बोकारो में लाभ पहुंचाया गया, धनबाद में लाभ पहुंचाया गया, टाटा का लीज, शाह ब्रदर्स का माइनिंग, लंबा फेरियस्त है। और नाटक करने के लिए यहां पर जयंत सिन्हा जी को बुलाया जाता, अब यह नाटक नहीं चलेगा। हम लोग आगाह कर देते हैं, जनादेश का सम्मान कीजिए, आपको लोगों ने भेजा है अपना प्रतिनिधि बनाकर राज्य को गर्त में डालने के लिए नहीं, राज्य के हक के लिए। राज्य की हक की बात करें, 3.5 करोड़ जनता जिस चीज को चाहती है वो है विकास, उसकी समृद्धि, उसकी शांति,
उसमें आप भ्रम मत फैलाइए, कुछ तो पढ़ लिख कर आइए। हमारा कार्यालय आज से खुला रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, लोग आए। विगत 5 वर्षों में एक बाहरी आदमी किस प्रकार से इस राज्य को लूटा है, उसका पूरा दस्तावेज के साथ उनको हम सिखाने का काम करेंगे। 6 महीने हमसे ट्यूशन ले, हम बिना पैसे का मुफ्त का उनको ट्यूशन देंगे, उसके बाद सरकार की आलोचना करें। 14 महीनों में हेमंत सोरेन जी की सरकार पर एक भी फाइनेंशियल रेगुलेटरी का चार्ज नहीं लगा पाई थी सरकार। 10 महीने में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जिस पर कोई उंगली उठा पाए, और आप 5 वर्षों तक इस राज्य को लूटने का काम किए। हिसाब तो अब होगा जयंत बाबू, हिसाब हम लोग जरूर करेंगे। राज का खजाना जिसने भी लूटा है, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो मंत्री विधायक हो, चाहे नगर विकास मंत्रालय हो, उद्योग हो, ऊर्जा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ग्रामीण विकास हो, कृषि हो, हिसाब तो सबका होगा। और तब फिर आपको हम लोग यहां पर बुलाएंगे, तब आप एडवोकेसी कीजिएगा रघुवर राज का। रघुवर राज के बारे में हम लोग जितना भी बोले आप सोचेंगे विपक्ष के लोग हैं, उनके कैबिनेट के मंत्री बार बार इस बात को कहते थे कि यह सरकार लूटने पर तुली हुई है, उनका कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट में वो शामिल नहीं होता था, लेकिन उनको बर्खास्त करने का भी उनको ताकत भी नहीं था, और उन्होंने ही मुख्यमंत्री को हरा कराने का काम किया। ये जो करनी था उसका भरनी था। आज पुनः भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों को कहेंगे कि आइए कुछ सीखिए, जानिए, समझिए, उसके बाद सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए, इस प्रकार की अनर्गल बातें ना करें, ये गंदी बातें, और समाज गंदगी पसंद नहीं करता। बढ़िए, मैंने अभी आपको आंकड़ा दिया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 4000 करोड़ मिले, 4400 करोड़ मिले। अभी जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है, फिस्कल 20 जो है, वित्तीय वर्ष 20, इसमें 7700 करोड़ मिले, ये आंकड़े हैं। तो आपकी माइनिंग रॉयल्टी लगभग दोगुना हुई है, 5 साल दोगुना हुई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि माइनिंग रॉयल्टी आपको नहीं मिल रही थी, इतनी माइनिंग रॉयल्टी मिली है? और जहां पहले DMFT तो थी ही नहीं, DMFT जब पहले थी ही नहीं, आज के समय सरकार को, राज्य सरकार को, झारखंड की सरकार को 1400 करोड़ DMFT से मिल रहा है। तो माइनिंग रॉयल्टी से केंद्र सरकार ने झारखंड को जितना लाभ पहुंचा सकती थी, झारखंड सरकार को केंद्र सरकार ने किया है, वो मैं खुद इसका साक्षी हूँ, मैंने खुद देखा है जब मैं वित्त मंत्रालय में था और उसके तत्पश्चात, कि हम लोग सोच विचार करके झारखंड को माइनिंग रॉयल्टी के तहत जितना हम लोग दे सकते थे हम लोगों ने दिया। और ये भी मत भूलिए, जो अभी जो माइंस की नीलामी हुई है, माइनिंग कमर्शियल ऑक्शन हुआ है, उससे भी कोशिश है कि सब राज्यों को इससे फ़ायदा हो। तो जो कोल इम्पोर्ट से उनको हम लोग कम कर रहे हैं, और जो हमारा घरेलू जो उत्पादन है उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। घरेलू उत्पादन जब बढ़ेगा, डोमेस्टिक जो सप्लाई है बढ़ेगी, तो माइनिंग रॉयल्टी भी बढ़ेगी। तो जितनी हम लोग कोशिश कर सकते थे कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, रॉयल्टी को बढ़ाने के लिए, वो हमने किया, और वो जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं कि लगभग माइनिंग रॉयल्टी जो है वो दोगुना हुई। जो आपने